चल चाचा, किसकी चिट्ठी है? एक लड़की ने मुझे चिट्ठी लिखी है। लड़की ने क्या लिखा है? बताने वाली बात नहीं है। पर लिखा क्या है? लिखा है वो मुझसे प्यार करती है। क्यों डिंग मार रहे हो निखिल चाचा? तुम्हें और कोई लड़की प्यार करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई, देखने में इतना बुरा हूँ क्या मैं? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ये चिट्ठी है किसकी? अरे कहाँ ना, एक लड़की की है। अरे मगर ये लड़की है कौन? कोई नाम नाम ही तो होगा। नाम नहीं मालूम, चिट्ठी में नाम लिखा ही नहीं उसने। फेंको मत, जरूर किसी कर्जदार की होगी और अब वो अपने रुपए वापस मांग रहा होगा। कर्जदार, ये देख पढ़ अपनी आंखों से, लिखा है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे चिट्ठी पढ़कर भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई लड़की तुम्हें प्रेम निवेदन करेगी। मुझे तो लगता है कि लड़की तुम्हें उल्लू बना रही है। अच्छा चल तू जा, तू ये सब नहीं समझेगी, ये बड़ा गूढ़ और गंभीर मामला है। प्यार का जन्म स्वर्ग में होता है, सुना कभी तूने? हमें नहीं सुनना, चल। समझ गया? गजब हो गया। क्या हो गया? पेचिस? पेचिस नहीं भैया, एक लड़की मुझसे प्यार करती है। ये तो पेचिस से भी ज्यादा गंभीर है। बेवकूफ, बंगाल में ऐसी कोई लड़की नहीं है तुझसे प्यार करेगी। क्या बात है बनने वाला? हाँ उठो उठो, अब फिर पेट में दर्द हो रहा है। क्या बताओ डॉक्टर सिंह, आज सुबह करीब 5 बजे इतनी जोर से पेट में दर्द उठा, मैं ठीक उठा, मेघराज को बुलाया, आपने दी हुई पहली दवा ली, कुछ आराम नहीं हुआ, अभी भी कभी कभी तेज मरोड़ आ रहे हैं। क्या बात है, क्या हो सकता है? एक महीने पहले भी ऐसा हुआ था, क्या खाना क्या कर रहे हो? पहले लड़की खाना बना के देती थी, पिछली बार जब दर्द हुआ तब उसका खाना बंद किया, अब बहू खाना बना के देती है। दोनों के चूल्हे अलग अलग है, ये क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अभी एलर्जी हो सकती है, या बदलनी हो सकती है, या एक गिलास पानी ले आना। क्या डॉक्टर किए? या जहर का असर हो सकता है। तुम मेरे नर्सिंग होम में एडमिट हो जाओ, इलाज और खाना दोनों बराबर मिलेगा। नहीं, अस्पताल नर्सिंग होम में जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ ही ठीक है अस्पताल में। तुम्हारा गलत है सर, ये दवाइयाँ मंगवा लो, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली ले लेना, ठीक हो जाओगे। और हाँ, आज और कल सिर्फ दही खाना, सिर्फ दही और कुछ नहीं। जरूरत पड़ने पर मुझे इतला कर देना, मैं चलता हूँ। डॉक्टर एक नहीं दो दो बार ऐसा हुआ है, लड़का और लड़की इसी ताक में है कि मैं कब मरूंगा, मैं मर नहीं रहा इसीलिए उतावले हो रहे। फिजूल की बातें बंद करो, तुम्हें कोई जहर नहीं दे रहा है। मैं क्या मालूम, दुनिया में रुपया ही तो सब कुछ है, तभी तो सब काम बात छोड़कर मुझसे चिपके पड़े हैं। डॉक्टर की बैग लेके नीचे जाओ और देखो ये पैसा लो और बाजार से एक सेल दही खरीद के लाओ। चलता पिताजी। तो खाना वापस ले जाओ, आज से अपने खाने का इंतजाम मैं खुद ही करूंगा। क्यों पिताजी? आज सुबह इतनी जोर से पेट में दर्द उठा कि डॉक्टर बुलाना पड़ा, अभी अभी डॉक्टर दवा दे के गए, पता नहीं तुम लोग क्या बनाते हो। ले जाओ खाना, दही खा कर ही रहूंगा। मुझे मालूम है भाभी के हाथ का खाना आपको हजम नहीं होगा, आज से मैं आपके लिए खाना बना के लाऊंगी। नहीं जाओ यहां से। मेघराज, मेघराज हाँ, तेरी बीवी होगी ना? जी। बाल बच्चे? बाल बच्चे नहीं।
अच्छा अब तेरी औरत तो खाना पकाना जानती होगी ना? जानती है बाबू जी। तुम रहते हो कहाँ? दिल्ली के आसपास नहीं जी, फरीदाबाद में। फरीदाबाद, अच्छा ये बनकर और मेरी बात सुन, तुम दिल्ली जाओ और अपनी औरत को यहाँ ले आओ, तुम्हारी औरत मेरा खाना बनाएगी, आज से तुम्हारी तनख्वाह डबल होगी। कल सुबह प्लेन से दिल्ली जाओ और औरत को लेके यहाँ फौरन लौट आओ, सारा खर्चा मैं करूँगा, ठीक है? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? फुलवती। फुलवती, तुम अपना मेघराज का और मेरा खाना बनाओगी दोनों वक्त का, नीचे रहोगी, कोई आएगा जाएगा तो दरवाजा खोलोगी और बाद में मुझे बताओगी, ठीक है ना? फुलवती, रात को आने में मुझे देर हो जाएगी, एक पार्टी में जा रहा हूँ, पार्टी कब खत्म होगी क्या नहीं सकता, दरवाजा खटखटाना खोल देना। दरवाजा क्या बंद कर रही है? मुझे नहीं पहचानती? तू मेघराज की औरत है ना? मुझे पहचान के रख, मेरा नाम मकरंद है, मैं कभी भी इस घर में आ जा सकता हूँ, मेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, समझी? सुनो, यह है मेरे पुराने सोलिसिटर सुधांशु बाबू। सुधांशु, यह है मेरी बेटी गायत्री, इसका पति गंगाधर, इनकी बेटी झिल्ली, और ये बेटा मेरा लड़का अजय, उसकी पत्नी आरती, और उनका उज्जवल बेटा मकरन। ये मेरे पास बेटी है, इनकी बेटी रावणी, यही मेरा पूरा परिवार है। नीचे दो लड़के रहते हैं, सनत और निखिल, वो मेरे मामा के तरफ से रिश्तेदार। तुम सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है क्योंकि मैं अपनी वसीयत बनाना चाहता हूँ, मेरी मौत के बाद मेरे नगद रुपए किसी को भी नहीं मिलेंगे, अब तक जो कुछ हर महीने मिलता है वो भी मिलता रहेगा, जब तक तुम लोग जिंदा हो तब तक ये मकान है तुम्हारे रहने के लिए, लेकिन इसे कोई बेच नहीं सकता। रावणी और झिल्ली के लिए मैंने बीमा कर रखा है, 21 साल होने पर दोनों को 50,000 मिल जाएंगे, इन दोनों की शादी मैं करवा दूंगा, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। रावणी के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है, मिलिट्री में लेफ्टिनेंट है, हाँ। झिल्ली के लिए अब तक कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मिलते ही दोनों की शादी एक साथ करवा दूंगा। मकरन के लिए भी मैंने 50,000 अलग रखे, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उसकी कॉलेज से रिपोर्ट मिलती रहती है कि वो कॉलेज नहीं जाता, दंगा फसाद करता रहता है, अगर यही रवैया रहा तो मैं उसको भी कुछ नहीं दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं टूटता हूँ आपके रुपयों पर। देखा देखा बदमाश को, तुमने यही शिक्षा दिया बेटे को? पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं समझा दूंगा, ये उम्र ही ऐसी है पिताजी। तुम क्या खाक समझाओगे, घर में कभी रहते भी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए जी, आपकी धन संपत्ति है, जैसे ठीक समझे करें, हम क्या कह सकते, वैसे रुपए की कीमत तो घटती जा रही है। नहीं पिताजी, आपकी सनत में जो है वही आपकी, हम आपके साथ हैं, क्या वसीयत में दस्तखत हो गई? मैं परसों वसीयत नामा बनाकर ले आऊंगा, तभी ये दस्तखत कर देंगे, दो गवाह भी साथ ले आऊंगा। हाँ हाँ, एक बात और बता देता हूँ, वसीयत में एक शर्त होगी, अगर मेरी मौत कुदरतन न हो, मतलब जहर देकर या किसी और तरीके से मैं मार डाला गया, तो किसी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, सारी संपत्ति कलकत्ता यूनिवर्सिटी को दी जाएगी, समझे? अच्छा, मैं परसों आता हूँ, इसी वक्त वसीयतनामा बनाकर लाऊंगा। ठीक है, चलिए। बेबी जी, कहाँ जा रही हो? चुप, ऐसा बोल, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। ये कौन है? ये मुझे नाच सिखाता है, ये नाच का सिनेमा है, इसलिए साथ जा रहे हैं। इस लड़के से ही मेरी शादी होने वाली है, हम रात को बाहर गए थे, ऊपर ददू से मत बताना।
कल सुबह वहाँ एक नाच गाने की महफिल है, कल शाम तक ही आना होगा, इसलिए आज रात को तुम्हें मेरे दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रात को अगर कोई आया और मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं नहीं हूँ। तुम्हारा काम शुरू, हमारा खत्म, अब हम दिन भर सोएंगे, नाइट ड्यूटी खत्म, सुप्रभात। मतलब बेनी संहार, हाँ ठीक ही कहा है, बेनी संहार और साथ साथ मेघराज वध भी, मामला उलझ गया है। मेरी संहार का मतलब है कि औरतों का जूड़ा बांधना, और जूड़ा ऐसा बंधा है कि सुलझना नामुमकिन लग रहा है। खून की वजह क्या है? बेनी माधव एक अमीर आदमी था, हर महीने अपने लड़के और लड़की को कुछ न कुछ रुपया देता था, लेकिन वो लोग उससे खुश नहीं थे। डॉक्टर सेन को शक है कि लड़के और दामाद में साठ गांठ थी, वो उसे खाने में जहर मिला करके मार डालना चाहते थे। मेघराज का खून क्यों हुआ? मेघराज घर का पुराना नौकर था, बेनी माधव के कमरे के बाहर सोता था ताकि कभी कोई जरूरत पड़े तो मदद कर सके। अब उसे खत्म किए बिना कमरे में कोई घुस नहीं सकता था, इसलिए उसे मार डाला। हत्या करने का हथियार मिला? हथियार तो नहीं मिला, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि हथियार कोई तेज चाकू जैसा था, एक ही वार में एक ही हथियार से दोनों को खत्म कर दिया। कई रात के 12 से 3 बजे के बीच। अच्छा, आपको किन पांच लोगों पर शक? लड़का अजय, उसकी औरत आरती, बेटी गायत्री और उसका पति गंगाधर, और अजय का बेटा मकरंद। मकरंद उस रात करीब 9 बजे घर आया था और उसी रात वापस चला गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं, अभी तक गायब है। उसका नाम अरस फारंग निकाला। घर में अब कौन कौन है? अजय, आरती, गंगाधर, गायत्री, झिल्ली, निखिल राय, सनत गांगुली और मेघराज की विधवा फूलवती। अजय की लड़की लावनी अपने डांस मास्टर के साथ सिनेमा देखने गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। निखिल और सनत रात को अपने कमरे से निकले थे, लेकिन दूसरे दिन वापस आ गए थे। इस समय घर में जो भी है उन सबको बाहर न निकलने के लिए कह दिया। ठीक है, इन सबके जो बयान है उसकी फाइल आप मुझे दे दीजिए। नमस्कार, मैं बेनी माधव का वकील हूँ। आज ही अखबार देखा तो। बैठिए बैठिए, अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा ये बताइए, बेनी माधव से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? परसों। वो अपनी वसीयत बनवाना चाहते थे, तभी उनसे मिलना हुआ था। वसीयत पर दस्तखत होने की आज ही बात थी, लेकिन अच्छा वसीयत पे क्या क्या शर्तें हैं? उन्होंने अपने रिश्तेदारों में से सभी को कुछ ना कुछ दिया, लेकिन अजय के बेटे मकरंद को छोड़कर। लड़का गर्म मिजाज का बेवकूफ है। मुद्दे की बात यह है कि अगर उनकी मौत कुदरतन ना होती
तो किसी को कुछ नहीं मिलता। सारा रुपया कलकत्ता विश्वविद्यालय को जाता। और संयोग देखिए कि उनकी मौत कुदरतन नहीं हुई। अब तो शायद किसी को कुछ ना मिले। खोलकर देखा था? नहीं तो, लेकिन मेरी माँ तो खुद दाढ़ी नहीं बनाता था। मेघराज रोज सुबह उसकी दाढ़ी बनाता था। क्या हुआ? आइए आइए व्योमकेश बाबू आइए। कहिए दाढ़ी कैसी बनी? कुछ जमी नहीं, उसने में धारी नहीं थी। अच्छा अच्छा, बयान पढ़े? पढ़ तो लिए, बस फूलवती से दो एक सवाल और करने हैं। अच्छा सर, रेस के मैदान में खूब तेजी से ये बाजी लगा रहा था। इसके जेब में से ये सब 5 और 10 के नोट निकले सर। तुम्हारा नाम मकरंद चक्रवर्ती है? ये रुपए कहां से है? जिस रात तुम्हारे दादा का खून हुआ उस रात करीब 9 बजे तुम घर पर आए थे और आधी रात को चुपचाप वापस चले गए थे, क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ, फूलवती ने झूठ बोला। अच्छा, फूलवती ने हमें बताया, ये तुम्हें कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे दद्दा ने अपनी वसीयत के बारे में बताते हुए तुम्हें कुछ भी न देने का फैसला किया था और तुमने कहा था कि मैं थूकता हूं तुम्हारी इस दौलत पर, और गुस्से में तुम चले गए थे। उसी रात तुम्हारे दद्दा का खून हो गया था। तो मैं क्या करूं? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और वहां से निकलने की कोशिश मत करना, समझे? कुलवती, ये हमारे मित्र हैं व्योमकेश बाबू, तुमसे 2-4 सवाल पूछना चाहते हैं। मेघराज से शादी कब हुई थी तुम्हारी? 4 साल पहले। उसकी पहली पत्नी हो? जी नहीं, एक और थी, वो गुजर गई है। कहाँ की रहने वाली हो? फरीदाबाद की। और मेघराज? वो भी फरीदाबाद का। आपका है? जी हाँ। चलिए दूसरों से भी मिल लेते हैं। क्यों जनाब, शाम को दाढ़ी बना रहे हैं? रात का पंछी हूं ना, इसलिए शाम को बना रहा हूं। जो लोग दिन में काम करते हैं वो सुबह बनाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ऑफिस जाने दीजिए ना, मैं कसम से कहता हूँ कहीं नहीं भागूंगा। चाहे तो आप 2 सिपाही लगा दीजिए मेरे साथ। अरे अरे,
ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्या है? ओ, असल में ऑफिस में कई अविवाहित लड़कियां काम करती हैं ना, मैं उनमें से एक को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे बेनामी चिट्ठी लिखती है, बस मिलते ही मैं उससे शादी कर लूंगा। मामला रहस्यमय लगता है, क्यों ब्योमकेश बाबू? ब्योमकेश बाबू, आप ही सत्यनवेशी ब्योमकेश बख्शी हैं? आपको मेरी बेनामी चिट्ठी की गुत्थी सुलझानी पड़ेगी वरना मैं मर जाऊंगा। चार चार चिट्ठियां आ चुकी हैं। कहाँ है वो चिट्ठियां? ये देखिए, इन्हें मैं रखता हूं, मैं पूरा पता लगाने की कोशिश करूंगा। जी, फिलहाल आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहिएगा। मैं दफ्तर में जाकर तहकीकात करूंगा। आपके पास बरसाती है? रेनकोट? रेनकोट? आप रेनकोट से लड़की का पता लगाएंगे? नहीं, लड़की का नहीं, किसी और का है आपके पास? एक थी तो सही, छाता है, छाता चलेगा? नहीं, रेनकोट। और ये आप उस्तरे का इस्तेमाल करते हैं? तो फिर किसका करूं? जब आपकी दाढ़ी आनी शुरू हुई थी तो इस उस्तरे का रिवाज चला गया था। जाइए, रेनकोट लाइए। ओमकेश बाबू, ये रेनकोट क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? जो आदमी छुरा या उस्तरे से गला काटने जा रहा है उसे जरूर मालूम है कि गला काटने से खून फवारे जैसा उछलेगा, उसके बदन पर भी लगेगा, इसलिए जरूर वो रेनकोट या ऐसी कोई चीज का इस्तेमाल करेगा जिस पर अगर खून के दाग या धब्बे लग भी गए तो आसानी से धोए जा सके। समझे? सनत से रेनकोट भी हासिल कर ले। नया है ये रेनकोट, लिए जा रहा हूं, दो दिन के बाद वापस कर दूंगा। इसकी रसीद दिए देता हूं। रसीद की क्या आवश्यकता? आपका राज है, जो मन में आए कीजिए। आपके बयान में पढ़ा था कि जिस रात बेनी माधव का खून हुआ उस रात आप वर्धमान गए थे, कौन सी गाड़ी पकड़ी थी? आप कौन? ये ब्योमकेश बख्शी हैं, मशहूर सत्यन्वेषी। नाम सुना है लेकिन मैं जासूसी कहानियां नहीं पढ़ता। क्या कह रहे थे आप? उस रात वर्धमान गए थे किस गाड़ी से? रात 10:30 की गाड़ी से। तो आपने अगले दिन 6 बजे की गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी? सुबह की गाड़ी अगर पकड़ता तो वक्त से पहुंच नहीं पाता, मजलिस सुबह की थी। वहां क्या आपकी कोई रहने की जगह है? जी नहीं, रात मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर काटी। तो चाय के स्टॉल में चाय तो पी होगी? मैं चाय नहीं पीता। अच्छा, आप कहते हैं आप उस रात 10:30 बजे गए थे, इस बात का कोई गवाह है? गवाह की क्या आवश्यकता है? आप क्या सोचते हैं मामा का खून मैंने किया है? चलो इंस्पेक्टर, ऊपर चलते हैं। नहीं, ये कोर्ट बाहर गोविंद को देते। अजय बाबू, आपका लड़का मकरंद घर पर है? है तो सही, बुलाऊं उसको? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, कॉलेज में पढ़ता है तो बारिश में रेनकोट का इस्तेमाल तो करता होगा। आप उसका रेनकोट दिखा दीजिए हमें। हाँ, 1.5-2 साल पहले इसको खरीद कर दिया तो था, होना तो चाहिए। अरे मकरंद बेटा, वो बेटा अपना रेनकोट लाया, इनको दिखा। वो तो कब का भर गया, आप नहीं है? आपका अपना तो होगा। हाँ, मेरा तो होना चाहिए। अरे बेटा देख, अपनी माँ से पूछ, मेरा रेनकोट लेके यहीं कहीं पड़ा होगा। सुनो, अपनी माँ और बहन का भी साथ लेते आना। अरे भाई, अब क्या चाहिए? ये हमारे साथी हैं, ब्योमकेश बख्शी। साथी हैं तो मैं क्या करूं? आपको मालूम होना चाहिए कि हम आपको बेनी माधव बाबू की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं उन्हें इस दुनिया से हटा देने में आपका भी स्वार्थ है और अजय बाबू का भी, लेकिन वो लड़के हैं आप दामाद, इसलिए ज्यादा शक आप पर है। आपके सर पर फांसी का फंदा लटक रहा है, इसलिए ज्यादा गर्मी मत दिखाइए। क्या जानना चाहते हैं आप, मुझसे पूछिए। आप बेनी माधव बाबू की बेटी है ना, गायत्री? आप तो जानती हैं कि वसीयत पर दस्तखत करने से पहले ही आपके पिताजी का खून हो गया, लेकिन इससे पहले कोई वसीयत थी या नहीं इसके बारे में आपको क्या मालूम? मेरे ससुर बिना वसीयत बनाए गुजर गए थे, इंटरस्टेट।
तुम चुप रहो जी, मेरे पिताजी की कोई वसीयत नहीं है और ये जो संपत्ति वो छोड़ कर गए हैं, नए कानून के मुताबिक उसका आधा हिस्सा मेरा होता है। लेकिन हो सकता है कि वो सारी संपत्ति आपके भाई अजय के नाम छोड़ गए हैं और आपके लिए सिर्फ कुछ माहवारी का इंतजाम किया हो। मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो भैया से ज्यादा मुझे प्यार करते थे। नहीं, लेकिन उनके भांजे भी तो है ना, निखिल और सनत, उनसे भी तो प्यार करते थे। इतनी दूर से उन्होंने उन दोनों को यहाँ लाकर रखा है, तो क्या उनके लिए कुछ नहीं छोड़ गए? ये दोनों पिताजी के सगे भांजे नहीं है, दूर के रिश्ते के हैं। सनत का बाप तो दुश्चरित था, अपनी पत्नी की हत्या करके फांसी पे चढ़ गया, और निखिल का बाप वो तो सर्कस में जोकर था, उससे भला क्यों देंगे रुपए पिताजी। अच्छा ये सब रहने दीजिए, मुझे बताइए कि आपके पास यहाँ कितनी बरसातियाँ हैं? बरसाती रेनकोट दो है, एक इनका और एक झिल्ली का। ठीक है, दोनों निकलवा दीजिए, हम साथ ले जाएंगे। गोविंद ये सब पुलिस स्टेशन ले जाओ, इन सब की जांच होगी। अच्छा सर, जाओ। ये वो निखिल के प्रेम पत्र है, इनकी भी जांच करवा लीजिए। मुझे तो लगता है जरूर किसी लड़की के उंगलियों के निशान भी मिलेंगे इस पर। आज के लिए इतना काफी है, रात को सोचकर देखता हूँ कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तो कल सवेरे यहीं पर 9 बजे मिलते हैं। आइए। आइए आइए व्योमकेश बाबू आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? सुबह सुबह यहाँ पहुंचा तो मुझे फूलवती ने बताया कि उसके कमरे से उसके साज श्रृंगार का बक्सा चोरी हो गया। साज श्रृंगार का बक्सा कैसे चोरी हुआ? पता नहीं, मैं इन लोगों से यही पूछ रहा था। भाई तुम लोगों को कुछ मालूम है क्या? मुझे क्या मालूम, मैं कभी फूलवती के कमरे के अंदर तक गया नहीं। अंदर कौन सी चीज कहाँ रखी है मुझे क्या मालूम। दुआई है इंस्पेक्टर साहब, बाल संवार कर बिंदिया लगाकर आने वाली अभी आई कहाँ है, तो मैं साज श्रृंगार के बक्से का क्या करूँ। मुझे कल रात को एक प्लान सूझा है, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? फरीदाबाद मेघराज के घर। ओहो समझा समझा, मैं तो कहता हूँ आप आज ही चले जाइए, टिकट का इंतजाम मैं कर देता हूँ। हाँ कैसे हैं? आइए व्योमकेश बाबू। आपने 5 दिन लगा दिए। अजी 5 दिन तो लगा दिए लेकिन काम पूरा हो गया। ये हिम्मत लाल है, आप इसे संभालिए, चोर या खूनी नहीं है, हमारे बड़े काम का आदमी है। अच्छा आज शाम को 4 बजे बेनी माधव की बैठक में एक ड्रामा होगा। आप बनेंगे स्टेज मैनेजर। आप सब लोगों को जानकर खुशी होगी कि बेनी माधव जी के हत्यारे का पता चल गया है। हत्यारे के खिलाफ हमने सबूत भी हासिल कर लिए हैं और हत्यारा इसी कमरे में मौजूद है। जब मैं छानबीन करने के लिए बेनी माधव जी के कमरे में गया तो वहां मुझे एक उस्तरा मिला, लंबा पुराने किस्म का, जिससे कि मेघराज रोज सवेरे बेनी माधव जी की दाढ़ी बनाता था। जब मैंने उसे करीब से देखा तो ऐसा लगा कि उस पर तो किसी की उंगलियों के निशान नहीं है, किसी ने बड़ी चतुराई से उंगलियों के निशान मिटाकर उसे वापस रख दिया था। क्यों, मुझे शक हुआ। मैं उसे घर ले गया, उससे दाढ़ी बनवानी चाहिए लेकिन उसकी तो धार ही उतर गई थी, दाढ़ी क्या, उससे तो पेंसिल भी नहीं बनवा सकते थे। फिर मुझे यकीन हो गया कि जरूर इसी उस्तरे के साथ ही किसी ने उन दोनों आदमियों का गला काट दिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उस्तरा था कमरे के अंदर और खूनी आया कमरे के बाहर से, तो फिर कमरे में घुसने से पहले उसने उस्तरा हासिल कैसे किया? किसी ने जरूर उसे बाहर निकाला होगा, किसने निकाला? उसी दिन मेघराज ने सवेरे बेनी माधव जी की दाढ़ी बनाई थी और बेनी माधव जी के कमरे में सिर्फ 2 लोग जाते थे, एक तो मेघराज और एक फूलवती। भला मेघराज अपना गला काटने के लिए उस्तरा क्यों चोरी करेगा, तो बचा कौन? एक बात समझ में नहीं आई,
हत्यारा उस तरह से ही क्यों खून करने लगा? कोई और औजार नहीं मिला उसे? हत्यारा बहुत ही चतुर है। उसे मालूम है कि हत्या करने का औजार इतनी आसानी से छुपाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसने बेनी माधव जी के उस्त्रे का ही इस्तेमाल किया, उसी से उनका गला काटकर उसे वापस उसी जगह पर रख दिया, ताकि किसी को ख्याल भी नहीं आएगा कि हत्या उसी उस्त्रे से की गई है, और पुलिस अंधेरे में टटोलती रह जाएगी। क्यों, आई बात समझ में? मैंने शुरू में ही एक छोटी सी गलती की थी, सोचा था कि खून का मकसद बेनी माधव जी है, और इस तरह की गलती करना अस्वाभाविक नहीं है। मेघराज बेनी माधव का द्वारपाल था, जो भी कोई बेनी माधव का खून करना चाहता था वो बिना मेघराज का खून किए कमरे में घुस नहीं सकता था, इसीलिए उसने मेघराज को मारा। अब हत्यारा जानता था कि किसी का गला काटने से काफी खून निकलता है, और उससे उसके कपड़े भी खून से सन सकते हैं। कपड़ों पर जब खून के दाग लगते हैं तो वो आसानी से धोए नहीं जा सकते। यूरोप और अमेरिका में रहस्यमय उपन्यासों में आपने पढ़ा होगा कि जो भी कोई खून करता है वो अक्सर रेनकोट जैसी कोई चीज पहन लेता है, क्योंकि रेनकोट के तेल जैसे सतह पर अगर खून के दाग लगे ना तो आसानी से धोए जा सकते हैं। इसीलिए आप सबकी बरसातियां हमने इकट्ठी की थी और वो लेबोरेटरी में जांच पड़ताल के लिए भिजवाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। फूलवती के बयान से पता लगा कि फूलवती फरीदाबाद की रहने वाली है, और फरीदाबाद का पता भी उसके कमरे से मिला था। जानकारी के लिए मैं फरीदाबाद गया था, आज ही लौटा हूं। वहां पर जो मैंने छानबीन की काफी कुछ पता लगा लिया है। हमें यह पता लगा है कि फूलवती मेघराज की पत्नी नहीं है, मेघराज की पत्नी गुजर चुकी है। जब बेनी माधव जी ने मेघराज को बुलाकर कहा कि जाओ जाकर अपनी पत्नी यहां ले आओ, तो मेघराज फूलवती को अपनी पत्नी बनाकर यहां ले आया। फूलवती का भी पति है, फूलवती और मेघराज में पहले से ही संबंध रहे हैं। फूलवती मेघराज के साथ यहां भाग आई? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मतलाल इसे पहचानती हो? हिम्मतलाल, फूलवती तुम्हारी कौन है? ये मेरी ब्याहता औरत है हुजूर। यहाँ कैसे आए? मुझे छोड़कर मेघराज के साथ भाग आई। ठीक है, जाओ तुम। इस सारी खुराफात की जड़ फूलवती है, अपने पति को छोड़कर मेघराज के साथ यहाँ चली आई, और यहाँ आकर एक दूसरे मर्द को अपने मोहजाल में फंसाया। लेकिन मेघराज सख्त किस्म का आदमी था, अगर उसे फूलवती के प्रेम के बारे में पता चलता तो शायद उसे ठंडा कर देता, इसीलिए मेघराज को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। लेकिन मेघराज का खून करने से पकड़े जाने का डर था, इसीलिए मेघराज के साथ साथ बेनी माधव का खून करके पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की साजिश थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या फूलवती अपने हाथों से इन दोनों आदमियों का गला काट सकती थी? अक्सर छुरा, तलवार, उस्त्रा औरतों के हथियार नहीं माने जाते, इसका मतलब है जरूर फूलवती का कोई मददगार था। फूलवती के कमरे में मैंने लकड़ी का एक साज श्रृंगार का बक्सा देखा, उस बक्से के अंदर आईने के साथ उसकी एक तस्वीर मिली जिसमें वो पलंग पर बैठकर हंस रही थी। दूसरे दिन सुना कि वो साज श्रृंगार का बक्सा चोरी हो गया है, असल में वो बक्सा हमने ही हटाया था। इंस्पेक्टर, वो बक्सा निकालेंगे? ये वो तस्वीर है। फूलवती, ये तस्वीर किसने खींची थी? सनत बाबू, आप तो फोटोग्राफी के कदरदान हैं, विशेषज्ञ भी, जरा देखिए तो। फूलवती की तस्वीर है। हाँ हाँ, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो फूलवती को पलंग पर बिठाकर तस्वीर खींची गई है, और उसके पीछे पलंग पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही है। किसका पलंग है नहीं पहचानते? आप कहना क्या चाहते हैं? आपने रात को अपने कमरे में फूलवती को अपने पलंग पर बिठाकर फ्लैश से तस्वीर खींची थी।
आप ही उसके गुप्त प्रेमी हैं। जब मेघराज बेनी माधव जी के कमरे के दरवाजे पर सोता था तो फूलवती आपके कमरे में जाती थी। उससे क्या साबित होता है? मामा का खून मैंने किया है। सारा दोष फूलवती को नहीं दूंगा। आप तो उसके प्यार में इतने पागल हैं कि दिमागी संतुलन खो बैठे। मेघराज का खून करके उसे पाना चाहते थे। शायद ये सोचा होगा कि खून का मामला सब निपट जाए तो उसे लेकर कहीं भाग जाएंगे। मैंने खून नहीं किया है। आपकी रगों में खूनी का खून है। आपके पिता आपकी माँ का खून करके फांसी पर लटक गए थे। मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने खून नहीं किया है, खून फूलवती ने किया है। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। इसने अपने हाथों से खून नहीं किया, खून किया है आपने। कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, एक छोटा सा सबूत है। खून करने के बाद आपने रेनकोट की अच्छी तरह से धुलाई तो कर दी, लेकिन उसके जेब में 2-3 बूंदे खून की रह गई। जांच पड़ताल के बाद हमें पता चला है कि वो खून बेनी माधव जी के खून से मिलता है। खून शरद बाबू ने किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बेकसूर हूँ। फूलवती तुम भी कसूरवार, तुम्ही ने बेनी माधव जी का उस्तरा चोरी करके सनत बाबू को दिया था और उस रात तुम्ही ने दरवाजा खोल के सनत बाबू को घर में घुसाया था और फिर खून करने के बाद जब वो घर से बाहर वापस गए तो तुमने दरवाजा बंद कर लिया। हो सकता है कि खून से सना हुआ रेनकोट तुम दोनों ने धोया हो। तुम दोनों ही अपराधी हो। चलिए मुझे इजाजत दीजिए। मेरा क्या होगा? चिट्ठी लिखने वाली कौन है आपने बताया नहीं? अरे हाँ, अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि चिट्ठी लिखने वाली कौन है तो तुम क्या करोगे? करूंगा, शादी करूंगा उससे, और क्या। योगेश बाबू, लड़की चाहे बूढ़ी डबली बहरी कैसी हो, मैं उससे शादी करूंगा। तो बस समझ लो कि लड़की का पता चल गया। ए झिल्ली, इधर आ। ये रही तुम्हारी बेनामी चिट्ठियों की रचयिता, पकड़ ली इसे। झिल्ली झिल्ली मुझे चिट्ठियां लिखती थी। झिल्ली मुझसे प्यार करती है। पर व्योमकेश बाबू, झिल्ली तो मेरी भांजी है। अरे घबराओ मत, बड़ी समझदार लड़की है। बिन सोचे समझे उसने अपना दिल नहीं दिया। जानता हूँ तुम्हारा मामा भांजी का रिश्ता है, लेकिन रिश्ता बहुत दूर का है। पर उन्हें शादी करने से कोई अड़चन नहीं है, समझे। कमाल की है आजकल की लड़कियां, इतने दिनों से नकेल डालकर घुमा रही थी मुझे। शादी हो जाए तो फिर मैं भी देख लूंगा। देखा क्या कह रहा है। लेकिन व्योमकेश बाबू, चिट्ठी मैंने लिखी है, ये आपको कैसे पता चला? अरे बेवकूफ, सारी चिट्ठियों पर तो तुम्हारे उंगलियों के निशान थे, है? और फिर लिखाई भी तुम्हारी थी।